सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। मैं उमेश माथुर, माथुर क्लासेज और फवीज इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स पर आपका स्वागत करता हूं। क्वेश्चंस ऑफ ग्रेजुएशन लेवल की क्लास में पिछली क्लास वाला क्वेश्चन लेते हैं। पहले क्वेश्चन नंबर 26, श्रेणी 1 - 2x + 3x² - 4xq एंड सो ऑन के लिए सही कथन है। द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर द गिवन सीरीज इज, अब ऑप्शंस में दे रखा है निरपेक्ष अपसारी है, एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट है। तो एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट कब होती है? कोई सीरीज ऑल्टरनेट सीरीज दे रखी हो, एकांतर श्रेणी दे रखी हो, यानी इसके पद पॉजिटिव नेगेटिव चिन्ह सहित हो। तो एकांतर सीरीज एब्सोल्यूटली कन्वर्जेंट कहलाती है जब ये सीरीज और इसका पदों का मापांक ले लें दोनों कन्वर्जेंट हों। और एक कंडीशनल कन्वर्जेंट कहलाती है जब ये सीरीज कन्वर्जेंट हो लेकिन जो मापांक लेने के बाद जो पद आएंगे वो कन्वर्जेंट ना हो। तो अब आप चेक करते हैं इसमें, या इसका अगर एनवा पद लिखते हैं अपन समीशन, तो आता है -1 to the power n - 1 n + 1 x to the power n। सेकेंड टर्म में ये x to the power, फिर ये लिखते हैं n x to the power n minus 1। चेक कर सकते हैं n बराबर 1 लिखेंगे तो 1 - 1 to the power 0 1 हो गया, 1 × x की पावर 0 1 आ गया। n बराबर 2 लिखेंगे तो -1 to the power 1 - आ गया, n 2 आ गया x की पावर 1। इसी तरह से n बराबर 3 लिखेंगे तो आ रहा है ये +3 x to the power 2 एंड सो ऑन। तो यानी कि ये आपने nवां पद लिख दिया। यहाँ nवां पद क्या हो गया? nवां पद हो गया -1 to the power n x to the power un - 1 to the power n (n)(x to the power n - 1। और मॉड ऑफ लेंगे, मॉडुलस ले लेते हैं, तो मॉडुलस un/un+1। जब मॉडुलस लेंगे तो ये नेगेटिव वाला जो साइन है वो चेंज हो जाएगा, हट जाएगा, पॉजिटिव हो गया। अपन DL-Lambert से छोटा टेस्ट लगाते हैं, un/un+1। un के लिए लिखा आपने माइनस, कैंसिल हो गया, n x to the power n - 1/(n+1)(x to the power n) 1/(1+1)(n)(1)|x) ये आया। n/(n+1) n से ऊपर डिवाइड कर दिया, n से नीचे। अब n टेंस टू इनफाइनाइट पर लिमिट ले लेते हैं, लिमिट ऑफ मॉड ऑफ un/un+1 n टेंस टू इनफाइनाइट। तो n/(1+1)(n) ये तो 1/(1)(1) आ गया और ये 1/(mod(x) आ गया। और DL-Lambert रेशो टेस्ट कहता है इफ लिमिट ऑफ un/un+1 एक से बड़ी हो तो ये कन्वर्जेंट होता है। तो देयरफोर σ(mod(un) अभिसारी कन्वर्जेंट होगी जबकि 1/(mod(x)) > 1, या कह सकते हैं आप (mod(x)) < 1 हो। एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट हो गई तो कन्वर्जेंट भी होगी, तो ये फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया, एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट फॉर (mod(x)) < 1। अब ये (x)0 और इसके लिए भी चेक करना है तो वो भी चेक कर लेते हैं।
जब मॉड ऑफ एक्स ग्रेटर देन वन अर्थात एक्स लेस देन माइनस वन और एक्स ग्रेटर देन वन। तो पहले लेते हैं जब एक्स इज लेस देन माइनस वन हो तब श्रेणी क्या हो गई, वन माइनस टू एक्स प्लस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स क्यू एंड सो ऑन। एक्स लेस देन माइनस वन है इसका मतलब ये पॉजिटिव हो गया, ये भी पॉजिटिव हो गया, यानी कि पॉजिटिव पदों वाली सीरीज हो गई और इंक्रीजिंग हो गई, बढ़ते जा रहे हैं, तो निश्चित रूप से कैसी होगी, अपसारी होगी। जब x लेस देन माइनस वन हो, लेस देन माइनस वन हो यानी उसका साइज एक से बड़ा हो गया और ये जो नेगेटिव वाले पद हैं पॉजिटिव हो गए, तो हर पद कैसा जा रहा है, बढ़ता हुआ जा रहा है और पॉजिटिव हो गई तो ये अपसारी हो गई। तो पहला ऑप्शन करेक्ट है कि केवल मॉड ऑफ एक्स लेस देन वन के लिए निरपेक्ष अपसारी होगी, और तीसरा भी करेक्ट हो गया तो दूसरा चेक करने की जरूरत नहीं है, ऑल ऑफ द अबव फोर्थ ऑप्शन आ गया, यह सभी, और बाकी आप दूसरा भी चेक कर सकते हैं। पहले आपने लिया डीएलएम्बर्ट रेशियो टेस्ट लिया, मॉड ऑफ यू एन अपॉन यू एन प्लस वन एन टेंस टू इन्फाइनाइट पर लिमिट निकाली, वो वन अपॉन मॉड ऑफ एक्स आ गया। तो अगर वन अपॉन मॉड ऑफ एक्स ग्रेटर देन वन हो तो ये जो मॉड ऑफ यू एन वाली सीरीज है कन्वर्जेंट होगी, तो यानी कि मॉड ऑफ एक्स वन अपॉन मॉड ऑफ एक्स ग्रेटर देन वन कब होगा, जब मॉड ऑफ एक्स लेस देन वन हो। तो इसका मतलब मॉड ऑफ एक्स लेस देन वन या आप कह सकते हैं एक्स माइनस बीच में होगा तब ये कन्वर्जेंट हो गई, क्योंकि मॉड ऑफ यू एन कन्वर्जेंट है इसलिए गिवन सीरीज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट हो गई, निरपेक्ष अपसारी हो गई, तो पहला ऑप्शन करेक्ट हो गया। फिर आपने एक्स लेस देन माइनस वन के लिए चेक किया, एक्स लेस देन माइनस वन के लिए चेक किया तो वो डाइवर्जेंट हो गई, डाइवर्जेंट हो गई इसका मतलब पहला ऑप्शन और तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो गई, और चौथा दे रखा है उपरोक्त सभी ये सभी, तो दूसरे को चेक करने की जरूरत नहीं है, बाकी दूसरा भी चेक कर सकते हैं आप। तो इस तरह से कौन सा आंसर रहा, फोर्थ ऑप्शन हो गया। फिर आगे बढ़ते हैं, गलत कथन है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट इज नंबर वन, यदि x n एक अनुक्रम हो तो x 2n माइनस वन इसकी उपानुक्रम होगी, बिल्कुल सही है। इफ x n इज ए सीक्वेंस देन x 2n माइनस वन इज इट्स ए सबसीक्वेंस। सेकंड, x n एक सीक्वेंस है जिसमें एलिमेंट दे रखे हैं 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, और तो बाई n दे रखी है सीक्वेंस, बाई n एंड करली ब्रैकेट सीक्वेंस दे रखी है 0, 2, 0, 2 एंड सो ऑन, उसकी उपानुक्रम होगी, इज ए सबसीक्वेंस ऑफ एक्स एन। तो ये नहीं होगी, ये क्यों नहीं होगी, ये इसलिए सीक्वेंस नहीं होगी कि जो एक्स एन दे रखी है वो तो इंक्रीजिंग मोनोटोनिक इंक्रीजिंग दे रखी है, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग की सबसीक्वेंस होगी तो वो भी मोनोटोनिक इंक्रीजिंग होगी, जबकि 0 2 0 2 ये तो ऑसिलेटिंग हो गई, तो दूसरा वाला ऑप्शन गलत हो गया, इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा था तो दूसरा वाला गलत है, चूंकि एक दिष्ट वर्धमान अनुक्रम की उपानुक्रम सबसीक्वेंस भी एक दिष्ट वर्धमान होगी, जबकि दी अनुक्रम बाई एन दोलायमान है। इसलिए बाई एन अनुक्रम एक्स एन की उपानुक्रम नहीं है।
की सबसीक्वेंस नहीं है। एक्स एन सीक्वेंस दे रखी है और वाई एन क्या रखा है उसकी सबसीक्वेंस है, तो ये नहीं है क्योंकि मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस की सबसीक्वेंस भी मोनोटोनिक इंक्रीजिंग होगी, तो इसलिए सेकंड ऑप्शन गलत हो गया। थर्ड, यदि एक्स एन अनुक्रम हो तो एक्स एन स्क्वायर भी उपानुक्रम होगी, ये भी सही है। फोर्थ, एक्स एन अनुक्रम हो तो एक्स टू एन इसकी उपानुक्रम होगी, ये भी सही है। ये फर्स्ट थर्ड फोर्थ को मैं थोड़ा एक एग्जांपल से एक्सप्लेन करता हूँ। मान लेते हैं सपोज एक्स एन अनुक्रम ये दे दिया आपको वन वाई एन यानी कि वन वन वाई टू वन वाई थ्री वन वाई फोर वन वाई फाइव वन वाई सिक्स वन वाई सेवन एंड सो ऑन। अपन सब सीक्वेंस लिखते हैं, वहाँ क्या दे रखी थी सब सीक्वेंस, पहले ऑप्शन में दे रखा है एक्स टू एन माइनस वन, ये भी सब सीक्वेंस होगी। तो अब यहाँ एक्स टू एन माइनस वन लेते हैं, ये हो जाएगी वन वन अपॉन थ्री वन अपॉन फाइव एंड सो ऑन। एक्स एन स्क्वायर लेते हैं, ये हो जाएगी वन वन बाई फोर वन बाई नाइन एंड सो ऑन। एक्स टू एन लेते हैं, ये हो जाएगी वन बाई टू वन बाई फोर वन बाई सिक्स एंड सो ऑन। सब सीक्वेंस उपानुक्रम होती क्या है, कोई सीक्वेंस दे रखी है आपको एक्स एन, दूसरी सीक्वेंस दे रखी है बाई एन, यदि अनुक्रम बाई एन का प्रत्येक पद अनुक्रम एक्स एन का भी पद हो तब सीक्वेंस बाई एन सीक्वेंस एक्स एन की सब सीक्वेंस यानी कि उपानुक्रम कहलाती है। एक्स एन सीक्वेंस लिया आपने वन समी वो जिसका एन टर्म वन बाई एन है, तो उससे एक्स टू एन माइनस वन एक्स एन स्क्वायर एक्स टू एन सभी के जो पद आ रहे थे वो सभी एक्स एन के पद भी हैं, तो ये सभी सब सीक्वेंस हैं। तो दोबारा से देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 इनकरेक्ट स्टेटमेंट इज, आपसे पूछा है कौन सा कथन इनकरेक्ट है। तो एक्स एन सीक्वेंस दे रखी है आपकी, तो जो सेकंड ऑप्शन में देखें एक्स एन में सीक्वेंस 0 1 2 3 4 इस तरह से दे रखी थी यानी कि इंक्रीजिंग सीक्वेंस दे रखी है, और सब सीक्वेंस लिख दी वो ऑसिलेटरी है दोलायमान है, तो ये इसकी सब सीक्वेंस नहीं होगी जबकि फर्स्ट थर्ड फोर्थ करेक्ट है। फिर आगे बढ़ते हैं, गलत कथन है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट इज, परिमेय संख्याओं का समुच्चय पूर्ण किरमित क्षेत्र नहीं है, ये सही है। द सेट ऑफ रेशनल नंबर इज नॉट ए कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड, ये किरमित क्षेत्र तो होता है लेकिन कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड नहीं होता। किरमित क्षेत्र के तो सारे गुणधर्म लागू होते हैं, और ऑर्डर्ड फील्ड में क्या है, ऑर्डर्ड फील्ड में ये है जैसे क्यू आपने ले लिया, ये आपका किरमित क्षेत्र है, और ये ऑर्डर्ड फील्ड। ऑर्डर्ड फील्ड कब हो जाएगा, जब इसका कोई भी सबसेट ले लें और सबसेट के उच्चक निम्नक विद्यमान हो और वो क्यू में हो। अब इसका सबसेट ले लेते हैं, माना क्यू का एक अरिक्त उपसमुच्चय एस इस प्रकार है, उसमें एक्स टाइप के अवयव हैं, एक्स परिमेय संख्या है और एक्स स्क्वायर बराबर टू है, एक्स स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू टू है या लेस देन टू है, ये ले लिया। किरमित क्षेत्र ऑर्डर्ड फील्ड ले लिया आपने क्यू,
और इसका एक नॉन वॉइड सबसेट ले लिया। तो ये पूर्ण क्रमित क्षेत्र कब होगा, जब इसके प्रत्येक उपसमुच्चय के उच्चक और निम्नक यदि विद्यमान हैं तो वो क्यू में होने चाहिए। यहां एस का उच्चक सुप्रीमम रूट टू है, एक्स स्क्वायर टू से छोटा है तो एक्स रूट टू से छोटा है, लेकिन रूट टू तो क्यू में नहीं है, लेकिन रूट टू नॉट बिलोंग्स टू क्यू, देयरफोर क्यू पूर्ण क्रमित क्षेत्र नहीं है। तो जो परिमेय संख्याओं का समुच्चय क्रमित क्षेत्र के सारे गुणधर्मों को सेटिस्फाई करता है लेकिन पूर्ण क्रमित क्षेत्र नहीं है। वास्तविक संख्याओं का समुच्चय आर्किमिडीज क्षेत्र है, बिल्कुल सही है, पहला भी सही है दूसरा भी सही है। फोर्थ एक क्रमित क्षेत्र का अनंत क्षेत्र होता है, ये भी सही है। ऑर्डर्ड फील्ड में जैसे क्यू आर ऑर्डर्ड फील्ड है, इन्फाइनाइट एलिमेंट्स हैं तो ये इन्फाइनाइट होते हैं, एन ऑर्डर्ड फील्ड इज एन इन्फाइनाइट फील्ड। फिर क्या है, परिमेय संख्याओं का समुच्च क्रमित क्षेत्र नहीं है, ये गलत हो गया। तो अपना आंसर क्या है, सही उत्तर विकल्प तीन है। परिमेय संख्याओं का समुच्च आर्किमिडीय क्रमित क्षेत्र नहीं है, तो आर्किमिडीय क्षेत्र होता है। आर्किमिडीय क्षेत्र कौन सा होता है, आर्किमिडीय प्रॉपर्टी क्या है, अगर एक्स और वाई कोई भी दो एलिमेंट ले लें अपन क्यू के, और अगर एक ऐसी धन पूर्णांक एग्जिस्ट करती हो कि एन एक्स ग्रेटर देन वाई हो, सपोज एक्स एंड वाई आर टू एलिमेंट्स ऑफ क्यू इफ देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव इंटीजर एन सच दैट एन एक्स ग्रेटर देन वाई, देन इट इज कॉल्ड ऑर्डर्ड आर्किमिडियन फील्ड। ये आर्किमिडियन प्रॉपर्टी है, अगर ये गुणधर्म लागू हो तो वो आर्किमिडियन हो जाएगा। क्वेश्चन के ऑप्शन कह रहा है कि आर्किमिडीय क्रमित क्षेत्र नहीं है, ये अपन प्रूफ कर सकते हैं। माना एम एन आर तीनों ही आपके पॉजिटिव इंटीजर हैं और एक्स बराबर ले लिया आपने एम अपॉन आर, y बराबर ले लिया n अपॉन r, क्योंकि कोई भी दो एलिमेंट ले लिए ये q के एलिमेंट है। सिंस m इंटू n ग्रेटर देन n फॉर ऑल n बिलोंग्स टू कैपिटल n, दिस इंप्लाइज m अपॉन r इंटू n ग्रेटर देन n अपॉन r, दिस इंप्लाइज एन एक्स ग्रेटर देन वाई। यानी कि क्यू के कोई भी दो एलिमेंट ले लिया आपने एक्स और वाई, एक्स बराबर लिया एम अपॉन आर, वाई बराबर लिया एन अपॉन आर, तो एक पूर्णांक एन ऐसा जरूर विद्यमान होगा कि एन एक्स ग्रेटर देन वाई हो। इसका मतलब आर्किमिडियन प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है, किसमें, क्यू में, तो इसका मतलब क्यू आर्किमिडीय क्षेत्र है। लेकिन यहां लिख रहा है कि आर्किमिडीय क्षेत्र नहीं है, क्रमित क्षेत्र तो है ही, तो इसका मतलब कौन सा ऑप्शन गलत हो गया, थर्ड ऑप्शन गलत हो गया। हाँ, अगर आर्किमिडियन प्रॉपर्टी नहीं पता है तो आप इसको नहीं एक्सप्लेन कर सकते। तो इस तरह से कौन सा ऑप्शन रहा, थर्ड ऑप्शन। यहां पूछा था गलत कथन है, परिमेय संख्याओं का समुच्चय क्रमित क्षेत्र होता है लेकिन पूर्ण क्रमित क्षेत्र नहीं होता, इसलिए पहला ऑप्शन सही है। सेकेंड, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय आर्किमिडीय क्षेत्र है, ये भी सही है, सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है। फोर्थ एक क्रमित क्षेत्र अनंत क्षेत्र होता है, ये भी सही है। तो तीसरा ही ऑप्शन बचा, पहले दूसरा चौथा सही हो गया तो तीसरा गलत था। फिर अपन ने अलग से भी देख लिया कि क्यों गलत है, क्योंकि जो परिमेय संख्याओं का समुच्चय है आर्किमिडीय क्षेत्र होता है, क्यों, क्योंकि क्यू में आर्किमिडियन प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है। आर्किमिडियन प्रॉपर्टी क्या है, एक्स और वाई अगर इसके दो एलिमेंट हो तो एक धन पूर्णांक ऐसा विद्यमान हो एन के एन एक्स ग्रेटर देन वाई हो, तो अपन कहते हैं आर्किमिडीय प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है, परिमेय संख्याओं के समुच्चय में सेटिस्फाई हो रही है,
इसलिए अर्कमनियन क्षेत्र है, इसका मतलब थर्ड ऑप्शन गलत हो गया। क्वेश्चन नंबर 29, दी एक्स आई एन बराबर क्लोज इंटरवल 1/n, एन बिलोंग्स टू कैपिटल एन, तो यूनियन ऑफ एक्स आई एन के लिए सही कथन होगा। तो पहले अपन देखें यूनियन किसके बराबर है, यहां अपन देखें एक्स आई वन, ये तो वन आ गया, एक ही एलिमेंट आएगा, एक्स आई टू, एन बराबर टू रख देते हैं, वन बाई टू से वन हो गया, एक्स आई थ्री ये हो गया वन बाई थ्री टू वन, सभी उसमें किसमें वैल्यू रखते जा रहे हैं, एक्स आई एन में वैल्यू रख रहे हैं, इसी तरह से डॉट 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 एक्स आई एन, ये वन बाई एन वन हो गया, अब इनका यूनियन, नाउ यूनियन ऑफ एक्स आई एन यूनियन कितना हो जाएगा, एन इक्वल टू वन से इन्फिनिट की ओर जाएगा, तो ये आपका जीरो से वन तक का समुच्चय हो गया। लेफ्ट हैंड लिमिट ये इंक्लूड नहीं है क्योंकि एन टेंस टू इनफिनिट पर वन अपॉन एन जीरो होगा, लेकिन जीरो इंक्लूड नहीं है, तो ये आ गया सही कथन। विवृत समुच्चय, विवृत समुच्चय जिसमें भी ऐसे कोई सेट होते हैं, मतलब एक साइड से क्लोज हो या दोनों साइड से क्लोज हो, ये विवृत समुच्चय नहीं होते। लिमिट पॉइंट, सीमा बिंदु जीरो, ये सही है, सीमा बिंदु जीरो होगा, क्यों, सीमा बिंदु क्या होता है, किसी भी समुच्चय के लिए अवयव ए सीमा बिंदु कहलाता है, यदि ए के प्रत्येक नेबरहुड में उसका समुच्चय का एक अवयव हो, तो यहाँ जीरो का कोई भी नेबरहुड ले लो, इसमें तो बहुत से अवयव होंगे, तो ये जीरो इसका क्या है, सीमा बिंदु हो गया। किसी भी समुच्चय के लिए एक पॉइंट ए उसका सीमा बिंदु कहलाता है, यदि ए के किसी स्मॉल नेबरहुड में समुच्चय का एक अवयव हो, यहाँ एक अवयव क्या, जीरो का नेबरहुड लेंगे, यहाँ तो बहुत से अवयव हो गए, तो ये कम से कम एक अवयव होना चाहिए, तो ये आपका जीरो सीमा बिंदु हो गया। इसका सीमा बिंदु विद्यमान नहीं है, ये गलत कथन हो गया। वाल्जनो वाइस्ट्राइस थ्योरम कहती है कि कोई भी इन्फाइनाइट बाउंडेड सेट हो, एवरी इन्फाइनाइट बाउंडेड सेट हैज एटलीस्ट वन लिमिट पॉइंट, तो ये इन्फाइनाइट सेट है, जीरो से लेके वन के बीच में इन्फाइनाइट एलिमेंट्स हैं और बाउंडेड है, तो इसका मतलब इसका कम से कम एक सीमा बिंदु होगा, तो थर्ड ऑप्शन गलत हो गया। एक समवृत्त समुच्चय, समवृत्त समुच्चय नहीं है, समवृत्त समुच्चय में उसका प्रत्येक सीमा बिंदु होता है, इसका सीमा बिंदु जीरो है, वो इसमें नहीं है, तो समवृत्त समुच्चय भी नहीं है, तो ये विवृत समुच्चय भी नहीं है, समवृत्त समुच्चय भी नहीं है, सीमा बिंदु विद्यमान है, इसलिए थर्ड गलत हो गया। तो कौन सा ऑप्शन सही है, सेकंड ऑप्शन सही है कि इसका सीमा बिंदु विद्यमान है। तो इस तरह से आपके 2023 जो संस्कृत डिपार्टमेंट वाला पेपर था उसके रियल एनालिसिस के जो क्वेश्चन थे वो हुए। अब आगे बढ़ते हैं। अब ये संस्कृत डिपार्टमेंट का 2019 का पेपर है, उसके रियल एनालिसिस के क्वेश्चन आ गए, लेकिन ये आपके लिए होमवर्क है, आज आप अपने आप करेंगे, फिर अगली क्लास में उसके रियल एनालिसिस के जो भी क्वेश्चन हैं 2019 वाले उनको डिस्कस करते हैं। सभी को नमस्कार।